हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जेके यारा वाले यार पर। तो आपने तो पहले जो स्टेटस में डाला देख ही होगा कि हमारी गाड़ी फिर से श्रीनगर जा रही है। सो अभी हम पहुंचे हैं रामबन। कल से निकले हुए, वैसे काफ़ी ट्रैफिक जाम है। जो नया पुल आपको पता ही है, वो उसमें एक ही गाड़ी सिंगल गाड़ी चढ़ती है, उसकी वजह से काफ़ी जाम है। ये रही रामबन सिटी। यहाँ से पीछे थोड़ा ऊपर जो दिखाई दे, सिर्फ पीछे है बस स्टैंड है। तो यहाँ सिटी का ही काफ़ी ट्रैफिक जाम है। मैं सिटी पे तो जाम नहीं लगा, पर जाके ब्रिज जब केला मोड़ में जो टूट गया था उसका ही ज़्यादा जाम है। ये रे हमारे भाई सुबह से चल रहे हैं, अभी चाय पी है, ब्रेकफास्ट की नहीं, टाइम हो रहा है 11। देखते हैं आगे कि यहाँ ट्रैफिक से निकले तो खाना वगैरह बनाएंगे या खाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो देख सकते हैं आप रामबन सिटी का व्यू, पीछे तक लंबी लाइन गाड़ियों की। तो मिलते हैं जब गाड़ियाँ थोड़ी चलती हैं तो आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। जो नया पुल बना है वो भी आपको ज़रूर दिखाऊँगा मैं कि कैसा है वो पुल। तो गाइस वो रहा नया पुल, आप देख सकते हैं यहाँ से वो मेटाडोर जा रही है, वही है यहाँ से जो ढह गया था वो लोहे का ब्रिज जिसमें अभी गाड़ी चढ़ रही है। देखो आप यहाँ से पार जगह दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है और उसके बाद गाड़ियाँ जा रही हैं वो पार रोड से। वो देखो यहाँ पे भी नीचे पूरी खाई है। ये रही गाड़ियाँ हमारी लाइन पर, वो आगे केले वाली गाड़ी है, उसको चलती है काफ़ी। तो वो देखो सिंगल बाय सिंगल करके गाड़ियाँ जा रही हैं, अभी एक गाड़ी क्रॉस होगी तो पीछे से दूसरी गाड़ी को छोड़ा जा रहा है, देखना आप। तो अभी ये चली हैं गाड़ियाँ, बहुत मुश्किल चढ़ाई पे, चढ़ाई का पाँव है, गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से चलती हैं। तो देखो आप पास जगह दिखाता हूँ आपको ब्रिज का व्यू। तो ये देखो गाइस आए नया जो ब्रिज है, अभी हमारी गाड़ी चढ़ रही है ब्रिज में। ब्रिज बहुत टाइट है, गाड़ी बहुत ही घुमा के लेनी पड़ी, फिर भी देखो पीछे वाले टायर हैं जो पूरे ब्रिज से टकराए, बिल्कुल साथ में ही निकले। तो देखो ये ब्रिज है जो आर्मी ने इंस्टॉल किया है अभी, और पीछे कितना लंबा ट्रैफिक जाम है अभी, क्योंकि ब्रिज से वन बाय वन गाड़ी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रिज से चल रही टन है वही पास कर रहा है। सो देखो रोड की हालत, काफ़ी रोड का काम लगा हुआ है अभी। यहाँ पर रहा एक मंदिर, अभी जब वहाँ से गाड़ी रोकेंगे फिर यहाँ से गाड़ी छोड़ेंगे। ये गाड़ियाँ वेट कर रही हैं, इनका नंबर जब टर्न आती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कुछ देर वहाँ से छोड़ते हैं, कुछ देर यहाँ से छोड़ते हैं गाड़ियों को। देखिए आप रोड का व्यू, पहाड़ियाँ, वो देखो यहाँ से हम चल के आए। अभी दिखाते हैं आपको आगे का व्यू भी। ये देखिए आप गाइस कितनी गहरी खाई है, लगभग 200 फीट तो होगा। आगे आपको और भी दिखाऊंगा, यहाँ पे आता खूनी नाला, वो तो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। अब ये वो जगह आ गई है जहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़ती, यहाँ पे एक चढ़ाई है वहाँ पर गाड़ी स्पेशल चढ़ती है, तो गाड़ी रह जाती है। पिछली बार भी हमें गाड़ी ने बहुत ही परेशान किया, यहाँ पर भाई चला रहे हैं गाड़ी, 3 नंबर भी चढ़ रही है गाड़ी बहुत मुश्किल से। तो इस मत्थे से चढ़ के आके मिलते हैं आपको हम खूनी नाले पे, वहाँ का बताऊंगा आपको व्यू में। तो ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ी चढ़ाई है, मतलब मान लो कि श्रीनगर सबसे ख़तरनाक यहाँ पे, अगर यहाँ पे गाड़ी रुकती है तो गाड़ी को पीछे ही लेना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे एक आलू वाली गाड़ी है, वो एक्सीडेंट हो गई है, अब पता नहीं सीधी रोड में कैसी होगी, जो ऊपर से पीछे ला रहे थे। ये देखो आप, आई होप किसी को लगी ना हो, शीशे वगैरह भी टूट गए गाड़ी के। तो ये रहा माथा, यहाँ से गाड़ी चढ़ रही है बिल्कुल धीरे धीरे अभी हमारी। सो गाइस हम पहुँच गए अभी आधे रास्ते में, यहाँ से टनल अब थोड़ी दूरी पर 3-4 किलोमीटर होगा। यहाँ पे देखो यहाँ का व्यू आप, अब जिन लोगों को पता है कि ये कौन सी जगह है वो तो ठीक है, अब जिनको नहीं बताऊँगा मैं बता दूँ, इस जगह का नाम है शैतानी नाला है। ये हमारे साथ जो 10 चक्की गाड़ी आज इसके साथ मैंने साथ किया हुआ है, ये हमारी आगे अपनी गाड़ी। तो यहाँ से हमको अब आगे जाना है, वहाँ से हम आए पीछे से, यहाँ रुके हैं गाड़ी के शीशे वगैरह धोए, आगे आपको पता कहीं ट्रैफिक वाले होते हैं। सो निकलेंगे थोड़ी लेट ही, खाना वगैरह बना के यहाँ से अभी देखते हैं। एक वो जो 10 चक्की वाले भाई हैं वो चाय बना रहे हैं, तो मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं गाड़ी पर, क्योंकि अभी कभी आपको बताया कि चाय पी ली है, यहाँ से हम निकल नहीं सकते, आगे ट्रैफिक वाले होंगे। तो वो देखो भाई हैं जो दाल बना रहे हैं, भाई कह रहे हैं आज खाना हमारे साथ ही खा लेना। तो यहाँ से अभी खाना बना के निकलेंगे यहाँ से, तो अभी तो यहाँ पे इतनी खास बर्फ भी नहीं है, तो बिल्कुल भी कोई स्लिप नहीं है। भाई से पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है भाई, आप सेकंड और वापस आ गए श्रीनगर? नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है यार। तो पहले तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे, तब थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि नया रास्ता था, वो हमेशा राजस्थान चले यहाँ पे आए नहीं है, तो इस बार तो
आसानी है। और ये भाई हैं जो हमारे जो सुनील भाई, ये तो पक्के ही श्रीनगर चलते हैं, इनको रास्ते की इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो अब भाई हो आज कल गाड़ी खाली हो जाए हमारी तो बेस्ट है, तो बताऊँगा जब अनलोडिंग भी बताऊँगा। तो यहाँ से निकलते हैं, बताता हूँ आगे आपको टनल का व्यू, तो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस पहुँच गए हम जवाहर टनल में, ये रहा टनल, यहाँ से गाड़ी हो जाएगी अंदर। तो देखिए आप टनल का व्यू, यहाँ पे आर्मी वाले खड़े हैं। सो पहुँचने वाले टनल के पास, यार यहाँ पे ऐसा है कि आर्मी वाले वीडियो वगैरह कई बार नहीं बनाने देते तो उसकी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये देखो ये बड़ा डंडा इसलिए है कि जो ओवर मतलब गाड़ी की हाइट ज़्यादा होती है वो अंदर नहीं जाती, कई गाड़ी को माल जहाँ पे आता उतारना पड़ता है। ये हम चल रहे हैं टनल के अंदर, 2.5 किलोमीटर का टनल है, अब बाहर निकलता हूँ तो फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइस टनल से हम आगे बाहर, जब अंदर गए तब तो रोशनी की, जब बाहर आए तब अंधेरा हो गया क्योंकि अंदर थोड़ा जाम लग गया था गाड़ियों का। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, तो देखो यहाँ पे बर्फ़, यहाँ पुलिस वाले गाड़ियाँ रोक रहे हैं आगे। इधर तो ठंड भी काफ़ी होगी, अब देखो वहाँ पे पहले बर्फ़, आप देखो यहाँ पे 3-3 फुट बर्फ़ आ गई हुई इससे। सो अभी इतनी बर्फ़ रहेगी पूरे श्रीनगर में, और यहाँ से भी थोड़ी फिसलन है रोड पर। अब यहाँ से 15-20 किलोमीटर जाना है हमें हाईवे में, उसके बाद हमें 4 लाइन स्टार्ट होगी। देखो आप पहाड़ियाँ पूरी वाइट वाइट कवर हो चुका है सब। अब उतरेंगे हम थोड़ा धीरे धीरे आराम से, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ पे कोहरा जमा और गाड़ी स्कीट हो जाए। गाड़ी स्कीट होगी तो खाई बहुत बड़ी है यहाँ से नीचे यार। तो बने रही वीडियो के साथ। सो गाइस उसके बाद रात को काफ़ी ट्रैफिक जाम रहा जवाहर टनल के आगे, तकरीबन 12 बज के नीचे पहुँचते। उसके बाद गाड़ी काफ़ी स्लिप हो रही थी, हमारी गाड़ी थोड़ी स्लिप हुई, वहाँ से इंडिकेटर टूट के गाड़ी से लगी, वो बताऊँगा मैं आपको ठहर के। तो हमने भी सोचा आगे तो काफ़ी बर्फ़ होगी तो वहीं रुकना है, छेरेगा नहीं तो आज हमारी गाड़ी खाली हो जाती और आज शाम की हमारी काम हो जाती, पर आज हमने खाली नहीं की है। तो सोचो सुबह भी मतलब एक जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि स्लिप है, यहाँ पर रेलवे फाटक है पर इस रेलवे फाटक इतना है नहीं कोई खास, क्योंकि ट्रेन तो यहाँ पर आती नहीं है, पर यहाँ पर इतना स्लिप है। हमारी गाड़ी लोड गाड़ी है, मतलब 30 टन माल लोड करके गाड़ी टायर घूम रहे, बार बार स्लिप हो रही है, स्किट हो रही है आगे पीछे, तो बहुत ही मुश्किल है। अब तो आज शाम तक पहुँचेंगे, अब आप आगे देखेंगे जहाँ पे तो ट्रैफिक क्लियर होता है वहाँ पे गाड़ी साइड लगा देंगे, लगा के गाड़ी साइड तो खाना वगैरह बनाएंगे तो वहीं रुकेंगे, वहाँ से निकलेंगे शाम को, और दिन के टाइम थोड़ा 4-5 बजे जब कोहरा ना हो। तो बने रही है ब्लॉग के साथ। फाइनली हम पहुंच गए हैं, कल रात को पहुंच गए थे, आज तो गाड़ी हो गई नहीं अनलोड। ये देखो आप झेलम नदी है जो वो आगे रही है हमारी गाड़ी, गए थे शॉपिंग करने चाय वगैरह के लिए सामान, अभी 10 बज रहे हैं और यहाँ पे देखो अभी कोहरा, बर्फ़ कितनी जमी पड़ी है। तब देखते हैं कब करते हैं अनलोड। तो इस ब्लॉग को करेंगे यहाँ पर ही ख़त्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।